हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलो एकेडमी। आज हम अपने 13 अप्रैल का क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द आईवीपी कर्ली यू अपॉन में कर्ली एक्स प्लस टू इंटू में कर्ली यू अपॉन में कर्ली वाई इज इक्वल्स टू जीरो, यू ऑफ जीरो कॉमा वाई इज इक्वल्स टू फोर इंटू में ई रेस टू द पावर माइनस टू वाई, देन द वैल्यू ऑफ यू ऑफ वन कॉमा वन। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये तो बहुत ईजी है। ये है हमारे पास, अपनी लैग्रांज इक्वेशन लगाते हैं, वन आ जाएगा यहाँ से, डी वाई अपॉन में टू आ जाएगा, यू है तो डी यू अपॉन में यू आ जाएगा। इस फैक्टर से हमारे पास यू इज इक्वल्स टू सी वन आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर को अगर हम यूज़ करें तो टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू सी टू आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है। तो वाई इज इक्वल्स टू, अगर हम वैल्यू निकालें तो टू एक्स प्लस सी टू आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास इस टाइप से फंक्शन होता है तो c1 क्या है u, phi of c2 क्या है 2x minus y, ठीक है, या फिर इसको हम phi of y minus 2x लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम 0 कॉमा y पर है फंक्शन 4 into e raised to the power minus 2y, इस टाइप से है हमारे पास फंक्शन। तो अब देखो, इसमें ये वाला जो फंक्शन है फाई ऑफ वाई के बराबर हुआ यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अपनी वैल्यू पुट अप करें, इट मींस अगर हम यहाँ से वाई को, हमें वाई माइनस टू एक्स बनाना है यहाँ से, ठीक है, इस टाइप से फंक्शन बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट अप करें तो वाई की जगह यहाँ से क्या बन जाएगा, टू इंटू में वाई माइनस टू एक्स, क्योंकि हमने y की जगह उसको रिप्लेस कर दिया ना y माइनस टू एक्स से, तो ये बन गई हमारे पास। तो फिर अब देखो, फाई ऑफ y माइनस टू एक्स किसके बराबर था, u के बराबर यहाँ से, ठीक है। तो u के बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस टू ऑफ y माइनस टू एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हमें पूछा क्या था, u ऑफ वन वन की वैल्यू पूछी थी, इसमें पुट कर दीजिए अपनी, क्या आ जाएगी यहाँ से, y की जगह वन, x की जगह टू रखेंगे, ये आ जाएगा माइनस वन, तो क्या आ गया, फोर ई स्क्वेयर आ गया। तो ऑप्शंस देखते हैं, फोर ई रेज़ टू द पावर माइनस टू, रॉन्ग, बी आ रहा है हमारे पास, फोर ई स्क्वेयर आ रहा था ना हमारे पास, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट।